मनुष्य केवल एक बीज रूप में जन्म लेता है, ना कि एक फूल के रूप में। फूल बनने की प्रक्रिया को प्राप्त करना पड़ता है। इस बीज को टूटना होगा और फूल होने की यात्रा पर निकलना होगा। और ये तय नहीं है कि ये बीज अपनी यात्रा पूरी करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये कोई ऐसा प्रकरण नहीं है जो पूरा होगा ही। जन्म जीवन के लिए केवल एक अवसर है, वह स्वयं जीवन नहीं है। तुम फिर भी जीवन को चूक सकते हो, और लाखों लोग इसे चूकते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि सिर्फ जन्म लेना ही जीवन के लिए पर्याप्त है। ये पर्याप्त नहीं है, ये आवश्यक है। इसके बिना जीवन नहीं होगा, लेकिन ये जीवन के समानार्थी नहीं है। जब तक कि एक साधक का नया जन्म नहीं हो जाता, जिसको हम द्विज कहते हैं, ट्वाइस बॉर्न, तब तक जन्म सफल नहीं होता। जीसस कहते हैं, जब तक तुम फिर से जन्म नहीं लेते, तुम मेरे ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। एक प्रकार के पुनर्जन्म की आवश्यकता होती है। सामान्य जन्म शरीर मन की मैकेनिज्म का जन्म है, लेकिन तुम्हारी आत्मा केवल एक संभावना है, इसे साकार करना आवश्यक है। जब तुम वास्तव में जन्म लेते हो जीवन के लिए या ईश्वर के लिए, जो कि कहीं ना कहीं समान है, तब तुम वही नहीं रह जाते जो पहले थे, जो तुम अपने को समझते थे। एक शुद्ध शून्यता विद्यमान होती है। तुम्हारे भीतर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसमें पूरा अस्तित्व तुम्हारी तरफ बहना शुरू हो जाता है। एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जो नाद से भरपूर है। निश्चित रूप से एक संगीत होता है, लेकिन बिना किसी ध्वनि के। ज़ेन लोग इसे एक हाथ से ताली बजाने की ध्वनि कहते हैं। वही तुम्हारा असली चेहरा है, जो जन्म से पहले था और जो मृत्यु के बाद होगा। जब तुम नहीं होते, तब तुम होते हो, और वह पहली बार होता है। असली जन्म तब होता है जब हम अपने आंतरिक स्वयं को पहचान लेते हैं, जब हम अपने शरीर और मन से परे अपनी आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। यही हमें वास्तविक जीवन की ओर ले जाता है, जो कि एक अनंत यात्रा है। क्या तुम इस द्विज होने की यात्रा पर निकलोगे? क्या तुम अपना असली चेहरा खोजोगे? क्या तुम इस बीच को फूल होने के प्रकरण से गुजारोगे? प्रणाम।